बच्चा अपने जीवन में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना चाहता था और वो बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होने लगा जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसको पोलियो हो गया एक पैर में पोलियो हुआ और एक हाथ में भी पोलियो था और वो बच्चा एक बार घूमने जा रहा था अचानक वो रेलवे ट्रैक पर गिरा और उसका एक हाथ कट गया पहले ही उसकी बॉडी में बड़ी प्रॉब्लम थी पोलियो उसको हुआ हुआ था और एक पैर भी उसका पोलियो से खराब था लेकिन उसके मन में वो सपना था कि मुझे मेरी लाइफ में एक जूडो कराटे प्लेयर बनना है जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना है और वो अपनी माँ से बार बार कहता था कि माँ मैं जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना चाहता हूं जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं बहुत अधिक पैसा कमाना चाहता हूं व्यक्ति इस बात को ध्यान से समझेगा कि वो बच्चा जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना चाहता था लेकिन बचपन से ही उसकी माँ उसको कहती थी बड़ा हो जाएगा तब तू जूडो कराटे जरूर खेले लेकिन मां अपने मन में जानती थी कि यह बच्चा कभी भी जूडो कराटे नहीं खेल सकता क्योंकि एक हाथ नहीं है और फिजिकली पोलियो उसको हुआ हुआ है और एक पैर उसका खरा लेकिन बच्चा बार बार अपनी माँ से जिद करता था कि मैं जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ धीरे 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 बच्चा बड़ा होने लगा और माँ से जिद करने लगा कि मैं जूडो कराटे खेलना चाहता हूँ मैं जूडो कराटे खेलना चाहता हूँ तो एक दिन माँ ने कहा कि चल तुझे हमारे जोन के सभी जुडो कराटे के गुरु से मिलवा के लाती हो और वही तुझे बताएंगे तू तु लाइफ में जुडो कराटे नहीं सीख सकता और वो बच्चा जब एक गुरु के पास गया तो गुरु ने कहा कि आप इस बच्चे को जुडो कराटे सिखाना चाहते हैं लेकिन वास्तविकता में बच्चा जुडो कराटे खेलने के लिए सक्षम फिर भी नहीं माना जिद करता रहा कि मुझे जूडो कराटे सीखना है और धीरे 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 अपने राज्य के सभी जूडो कराटे एक्सपर्ट से गुरुओं से मिलने लगा और जब सभी गुरुओं से मिलने लगा तो सभी ने कहा जूडो कराटे आप नहीं सीख सकते लेकिन उसके मन में वो चाहत थी कि मुझे जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना है उसके बाद वो दूसरे राज्य में गया और वहां जाकर एक गुरु से कहा कि मैं जूडो कराटे सीखना चाहता हूँ तो गुरु ने कहा ठीक है मैं तुझे तो जूड़ो कराटे जरूर सिखाऊंगा लेकिन ध्यान रखियो पूरी ट्रेनिंग में जैसा मैं तुझे सिखाऊंगा जैसा मैं तुझे बताऊंगा वैसा ही हमेशा तुझे फॉलो करना होगा और उस बच्चे ने ठीक वैसा ही किया गुरु ने कहा कि जब मैं तुझे जूडो कराटे सिखाऊं तो जो भी चीज तुझे बताऊंगा उसकी प्रैक्टिस तुझे लगातार करनी होगी गुरु ने कहा कि चलो खड़े हो जाओ और दीवार का सहारा लेकर जो पैर पोलियो वाला पैर है इससे किक मारना शुरू करो और उस बच्चे ने प्रैक्टिस करना शुरू किया उसने किक मारना शुरू किया उस बच्चे के मन में एक सपना था कि मुझे जूडो कराटे एक्सपर्ट बनना है और इसीलिए वो अपने गुरु का अनुकरण करने लगा वो बच्चा जो पोलियो से हैंडीकैप था और एक हाथ कटा हुआ था जब वो जूडो कराटे की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने देखा कि उसी के ग्रुप के बाकी बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक उसी समय पर एक दूसरे बच्चे के ग्रुप भी वहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन गुरु ने क्या कहा था कि आप दीवार के सहारे खड़े हो जाओ और एक पैर को रखकर एक पैर से किक बॉक्सिंग करना शुरू कर दो उसने देखा बच्चे ने देखा कि गुरु ने दूसरे ग्रुप को यही प्रैक्टिस कराई लेकिन एक हफ्ते बाद उनको कहा कहा अब आप राइट लेग से से प्रैक्टिस करना शुरू शुरू ठीक उस बच्चे ने दोबारा पूछा कि कि आपने मुझे कहा था कि लेफ्ट पैर से किक मारना शुरू करो और ये राइट पैर से मार रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा तो गुरु ने फिर दोबारा कहा कि दोबारा से आपको प्रैक्टिस करनी है लेकिन लेफ्ट पैर से किक मारना शुरू करो उसने देखा अगले हफ्ते बाकी बच्चों को कहा गया जब कि किक नहीं मारनी अब बॉक्सिंग करनी है लेफ्ट पंच फिर अगले हफ्ते राइट पंच और जब उस बच्चे ने दोबारा पूछा कि गुरुजी मुझे क्या करना है तो गुरु ने फिर से कहा आपको खड़े होकर लेफ्ट पैर से बॉक्सिंग करनी किक मारनी है वो बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और जब फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो उसके मन में एक विचार आया कि शायद गुरु मुझे वो नहीं सिखाना चाहते जो बाकी बच्चों को सिखाना चाहते हैं और बच्चे ने जब गुरुजी से कहा तो गुरु ने कहा कि मेरे बताए गए पद चिन्हों को फॉलो कर तभी तू जीवन में सफलता हासिल करेगा और एक दिन स्टेट कॉम्पिट, कॉम्पिटिशन हुआ और जब स्टेट कॉम्पिटिशन हुआ तो सभी राज्यों से वहां पर बच्चे आए और जब बहुत सारे बच्चे वहां पर आए तो कॉम्पिटिशन में गुरु ने एक एक करके अपने स्टूडेंट्स को उतारना शुरू किया एक स्टूडेंट गया नॉकआउट दूसरा स्टूडेंट गया नॉकआउट तीसरा स्टूडेंट गया नॉकआउट और लगभग टीम के बहुत सारे बच्चे हार गए अभी गुरु ने कहा कि हमारा एक चैंपियन अभी बाकी है और उस बच्चे को बुलाया गया जो फिजिकली डिसेबल था एक हाथ कटा हुआ था पोलियो हुआ हुआ था और जब वो बच्चा स्टेज की तरफ आने लगा रिंग में आने लगा तब सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे कि इसके सारे प्लेयर तो फेल हो गए अब ये फिजिकली डिसेबल बच्चे को यहां पर लेकर आया है और फिजिकली डिसेबल बच्चा जब रिंग में चढ़ा और जैसे ही रेफरी ने कहा वन टू थ्री स्टार्ट जैसे उसने कहा तो वो पोलियो वाला बच्चा एक्सपर्ट था केवल एक के 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 एक जैसे ही प्लेयर तैयार नहीं हुआ उसने अटैक कर दिया उन्होंने कहा अपने चैंपियन को बुलाओ किसी दूसरे चैंपियन को बुलाया गया ही रेफरी ने कहा वन टू थ्री स्टार्ट उसने फिर एक बार पैर उठाया और दबा के उसके पैर मारा और वो नॉकआउट हो गया और वो बच्चा स्टेट लेवल पर चैंपियन बना जब उस गुरु को स्टेज पर बुलाकर ये ये पूछा गया ऐसा क्यों हुआ कि इन सभी बच्चों में से एक ये फिजिकल डिसेबल बच्चा स्टेट चैंपियन बना जबकि इसका एक हाथ भी नहीं है तो गुरु ने बताया मुझे पहले से ही पता था कि इस गेम में हर प्लेयर ऑलराउंडर होता है लेफ्ट किक राइट किक लेफ्ट पंच राइट पंच राउंड पंच हर तरह के पंच मारने के लिए तैयार होता है लेकिन यह बच्चा एक फिजिकल डिसेबल है तो इसने हंड्रेड परसेंट पावर लगाई जो फिजिकली जिस लेग से से वो डिसेबल है जिसकी वजह उसका लेग खराब तो है लेकिन सबसे ज्यादा लचीला भी है जितनी देर में व्यक्ति सोच पाता है उतनी देर में पोलियो को पैर से घुमा के उसको नॉकआउट कर देता है और गुरु ने वहां खड़े होकर बताया कि मैं गेम का एक रूल आपको और बताता हूं जब एक प्लेयर लेफ्ट पैर राइट पैर को नीचे रखकर और लेफ्ट पैर घुमाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हाथ ऐसे करता है और सामने वाला अपोनेंट उस हाथ को पकड़कर नीचे खींचता है और राइट किक मारता है लेकिन यह बच्चा कभी नहीं हार सकता क्योंकि उसका लेफ्ट हाथ है ही नहीं